सो वीवो Y33S आ चुका है हमारे स्टूडियो में एंड 18,000 रुपीज के अंदर दिस डिवाइस हैज ए गुड रैम प्रोसेसर एंड इसके साथ आपको 50 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। नाउ आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस डिवाइस के अनबॉक्सिंग एंड ओवरव्यू। आई एम दीपांजन फ्रॉम androidguys.com, लेट्स गेट स्टार्टेड। So this is the Vivo Y33S and 18,000 rupees ke andar this is definitely one of the best looking smartphones out there in the market. Now ye do color variants mein aapko dekhne ko mil jayega, mirror black and midday dream. Mere paas jo version hai aap dekh sakte ho color ko reflect karte hue, this is the midday dream version and personally mujhe ye version kafi zyada pasand lagta hai and dono devices ki best buy links aapko niche description box mein mil jayenge. Now on top of that ये तीन रियर कैमरास के साथ आता है एंड इसके साथ आपको 4GB का एक्सटेंडेड रैम का भी फीचर देखने को मिल जाएगा एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इसमें आपको 5000 मिली एम्पर का बिगर बैटरी साइज भी देखने को मिल जाएगा एंड द बेस्ट पार्ट इज ये 18 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। डिस्प्ले एंड डिजाइन की अगर हम बात करें तो Vivo Y33S में आपको FHD प्लस 6.58 इंचेस का एक LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा विथ रेजोल्यूशन ऑफ 2408x1080। द कलर रिप्रेजेंटेशन ऑन दिस डिवाइस इज रियली अमेजिंग एंड YouTube पे सारे के सारे वीडियोस को आप 4K में इसमें रन कर सकते हो। आप देख सकते हो क्लियरली 4K वीडियोस कितनी अच्छी तरह से इस डिवाइस में प्ले होते हैं एंड कोई भी गेमिंग एक्सपीरियंस एंड मूवीज का जो एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा वो बजट के हिसाब से काफी ज्यादा आपको जस्टिफाई करेगा। द ओवरऑल performance of this device is actually good and content watching के लिए तो ये बिल्कुल perfect है। Design की अगर हम बात करें so this smartphone is definitely a good looking in terms of design. इसका जो width आपको देखने को मिलता है वो बस 8mm का है। Overall इसका जो in-hand feel है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आप एक ऐसे person हो जिसको कि फ़ोन को in-hand में लेके काफ़ी ज़्यादा काम करना होता है, either it can be calling or anything like gaming, तो आपको definitely इसका जो in-hand feel है वो काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद होगा। इसका जो वेट है वो 182 ग्राम्स है एंड मुझे पर्सनली मैंने यूज़ करके जो पता चला 180 ग्राम्स का जो फ़ोन होता है ना वो आपको काफ़ी बेहतरीन एक फॉर्म फैक्टर भी प्रोवाइड करता है एंड दैट्स गोइंग टू लास्ट यू अ लॉन्ग अगर आप एक लॉन्गर आवर के लिए अपने स्मार्टफोन का यूज़ करते हो तो। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें सो Vivo Y33S कम्स विद अ MediaTek Helio G80 चिपसेट। नाउ इसके साथ आपको 8GB रैम एंड 128GB रोम भी देखने को मिल जाता है। द बेस्ट पार्ट अबाउट Vivo इज आपको इनके हर एक मिड रेंज सेगमेंट के फोन्स में एक्सटेंडेड रैम का भी फीचर देखने को मिल जाता है व्हिच बेसिकली यूज योर स्टोरेज इनटू रैम अगर आप उस पर्टिकुलर स्टोरेज के सेक्शन को यूज नहीं कर रहे हो तो। सो इसमें भी आपको वो फीचर देखने को मिलता है एंड एक्सटेंडेड रैम फीचर की मदद से यू कैन एक्सटेंड द रैम अप टू 4GB। सो इन टोटल आपको 8+4 12GB का एक रैम देखने को मिल जाएगा व्हिच इज सुपर अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ दिस प्राइस रेंज। डे टू डे लाइफ के सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए Vivo का ये डिवाइस आपको पूरी तरह से हेल्प करेगा। इधर इट कैन बी ऑफिशियल वर्क्स और आप काफी ज्यादा प्रोडक्टिविटी काम करते हो लाइक वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग और एनीथिंग लाइक दैट, आपको इस डिवाइस में परफॉर्म करने में कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होगा। एंड नाउ गेमिंग की अगर हम बात करें सो मैंने इस डिवाइस में कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल को 2-3 घंटे तक प्ले किया था ड्यूरिंग द होल डे एंड मुझे पर्सनली कोई भी ऐसा फील नहीं होगा, कोई भी लैग या फिर हिकअप्स, एंड मैंने इस गेम को पूरी तरह से यू कैन से कि हाई एंड 60fps में प्ले किया है एंड मुझे कोई भी ऐसा लैग या फिर ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। सो डेफिनेटली आई कैन रिकमेंड दिस डिवाइस फॉर गेमिंग एज वेल। नाउ टॉकिंग अबाउट द कैमरास, Vivo Y33S में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा जिसका मेन प्राइमरी कैमरा आता है 50 मेगापिक्सल्स का। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का आपको एक मैक्रो लेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें सो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिलता है एंड यू कैन क्लियरली सी हाउ गुड इट कैप्चर्स रियली सेल्फीज एंड एनीथिंग लाइक वीडियोस और एनीथिंग लाइक दैट। आप क्लियरली देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर इसके प्राइमरी कैमरा एंड बाकी कैमरास के जरिए आप कैसे कैसे पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हो एंड यू कैन टोटली सी हाउ गुड द एक्चुअली कैमरास आर। आपको काफ़ी नेचुरल एंड बैलेंस्ड इमेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे एंड सेल्फीज की अगर हम बात करें सो दैट डेफिनेटली लुक्स गुड एज वेल। इन कैमरास में आपको काफ़ी सारे सेटिंग्स के साथ साथ मैनुअल सेटिंग्स, पैनारोमा एंड जो बेस्ट पार्ट मुझे अच्छा लगता है कि इसमें आपको नाइट मोड, रियर एंड फ्रंट दोनों कैमरास के साथ ही आपको इंक्लूडेड दिया जाता है। सो अगर आप किसी पार्टी में हो एंड आपको लाइट काफ़ी ज़्यादा कम लगे बट स्टिल यू कैन यूज़ दिस सेल्फी कैमरा टू क्रिएट सम अमेजिंग सेल्फीज़।
लास्टली इफ यू टॉक अबाउट द बैटरी, सो वीवो Y33S में आपको 5000 मिली एम्बर का एक बिगर बैटरी साइज देखने को मिल जाएगा एंड इसके साथ ये डिवाइस सपोर्ट करता है 18 वॉट के फास्ट चार्जिंग को। एक जो चीज इसमें नहीं है दैट्स द 5G कनेक्टिविटी, बट डोंट यू वरी, 5G के लिए वीवो के पास दूसरे सेगमेंट्स के भी स्मार्टफोन है जो कि मैंने पिछले वीडियोस में कवर किया है एंड इसका जो ओवरऑल टाइम लगता है अपने स्मार्टफोन को 0 से 100% तक चार्ज करने में, सो दैट्स अराउंड 1.5 to 2 hours एंड 2 घंटे टाइम के साथ साथ आपको आराम से 1.5 से 2 दिन का स्टैंड बाई टाइम देखने को मिल जाएगा एंड उसमें अगर आप इस डिवाइस को मॉडरेट यूज करते हो तो आपको आराम से 1 से 1.5 दिन का स्टैंड बाई टाइम तो मिल ही जाएगा। सो दैट्स अ प्रीटी ग्रेट डिवाइस एंड अगर आपको इस डिवाइस को बाय करना है सो आपको बेस्ट बाय लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, सो मेक श्योर टू चेक देम आउट। सो गाइस दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो वीवो Y33S के रिगार्डिंग। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वेरीज है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई वुड लव टू हेल्प यू आउट। मेरा नाम है दीपांजन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।